तो हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन माइनर। और आज हम हमारे पास आया है एक बोर्ड, और माइनर तो वैसे आते रह रहे हैं, लेकिन सोचा कि आज एक बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो यस, KS3M बहुत माइनर आ रहे हैं, बहुत रिपेयर हो रहा है। प्रॉब्लम वही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। अभी एक प्रॉब्लम और जुड़ गया है, मॉइस्चर। यदि आप अगर अपने माइनर को मॉइस्चर से नहीं बचा पाओगे तो माइनर गया ही समझो, उसमें कोई नहीं रोक सकता। ऑब्वियसली है कि अगर पानी वगैरह या कुछ भी मॉइस्चर वगैरह जाता है इलेक्ट्रिकल पार्ट में तो वो ख़राब ही होता है, ठीक है। तो ये केस और बड़ा है। पहला केस था कूलिंग, सेकंड तो पावर तो हर किसी में रहता ही है, कूलिंग भी हर किसी के लिए चाहिए, बट अदर माइनर्स झेल लेते हैं टेम्परेचर को। बट यस, KS3M नहीं झेल पाता है टेम्परेचर को, इसलिए ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, और इसीलिए वो रिपेयर के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न है उनके। तो अभी एक बोर्ड आया है, ये आया है आपका मुंबई से, ठीक है। KS3M है, इस बाय एयर है। तो इसको अनपैक करते हैं और करते हैं इसकी रिपेयरिंग। अभी तक के देखने से तो लग रहा है कि सही करके पैक किया है। ओके, ये बोर्ड मिला है और ये मॉइस्चर का ही शिकार हुआ होगा, देख करके लग रहा है। क्योंकि मॉइस्चर में देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। सी दैट कंडीशन, ये किस कंडीशन में यहाँ पे, तो ये क्या है, ये डैमेजेस यहाँ डैमेजेस होते हैं, तो ये डैमेजेस पहुँच जाते हैं चिप में, ठीक है। ये अब ये आप वीडियो देख के आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या सिक्योरिटी रखना है अपने माइनर में, ठीक है। तो ये इसकी कहानी, अब देखते हैं इसमें पावर देखे कि कितना क्या डिटेक्ट हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ पे नहीं है। ठीक है, हमने इसे को पावर दे दी है,
ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, वही चिप आप देखोगे तो वही चिप डैमेजेस हुई है। देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ से चिप डैमेजेस हुई है। तो मेन वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये मॉइस्चर ने इसकी कहानी ख़राब कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ से इतना चिप ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है आगे को। ठीक है, इसकी क्लीनिंग करते हैं। हाँ बेटा, बाहर जाना है। मैं तुम्हें एक बच्चे से दिखाता हूँ, देखो मेरी जान की तकरी है ये। हाँ देखो, ये मेरी जान है, जान की टुकड़ी। जाओ जाओ जाओ,
रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है, प्लस माइनस पावर। ओके, नाउ यू कैन सी ग्रीन हो गया है पूरा, सारी चिपें डिटेक्ट हो गई हैं, चिप की कंडीशंस भी, वोल्टेज ओके है सब जगह। और टेम्परेचर देखें चिप का, तो चिप का टेम्परेचर भी सही आ रहा है रेगुलर सभी चिपों का। उसके बाद टेम्परेचर सेंसर भी सही काम कर रहे हैं चारों, ठीक है ठीक है। तो ये बोर्ड हो गया है, जस्ट अब दूसरा बोर्ड देखते हैं और उसका क्या आया है। तो इसको पैक करते हैं, इसको ये निकाल लेंगे और इसमें थर्मल पेस्ट लगा देंगे। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, सोते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। और दिस LDOs आर ओके, तो हमने LDO कहाँ रखे हैं, AC में रख देते हैं अभी, ले ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, इसमें अब हम करना है हमें टेस्टिंग करनी है। ठीक है, हो गया है ये वायर। अब इसको एक बार और लास्ट टेस्ट कर लेते हैं, फिर माइनिंग करके देखेंगे। पावर ऑन करते हैं, अब प्लस माइनस करेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हो गया है, ओके। और ठीक है ठीक है, ऑफ करते हैं। ये देख लो भैया, आपका माइनर चल रहा है, माइनर मीन की ये वाला हेडबोर्ड है आपका जो रिपेयर किया है, इस माइनर में टेस्ट कर रहा हूँ और ये चल रहा है माइनिंग पे। यहाँ पे आपको मैं चिप दिखा देता हूँ, ये देखिए, चिप नंबर 1 से लेके 56 तक सारे ओके हैं, ठीक है। और 2 GHz दे रहा है यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी दिखा देते हैं, IP देख लीजिए 189, और यहाँ पे भी IP जो है 189 ही रीड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, इसे रिफ्रेश कर लेकर के दिखा देता हूँ, रिफ्रेश ये देखिए, ठीक है। लोकेट माइनर कर देता हूँ कि यही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये लोकेट माइनर किया, ये देखिए ब्लिंक करेगा यहाँ पे, ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड हैशबोर्ड परफेक्टली वर्किंग में आ गया है, रिकवर हो गया है, ठीक है। तो आपको मैं भेज रहा हूँ।